नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। रिलायंस आई बैंक के नेत्रदान सम्मान समारोह में आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने नेत्रदान का लिया संकल्प। प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग टंडन के पियरी स्थित टंडन नर्सिंग होम में रिलायंस आई बैंक सोसाइटी, नेत्रोदय अस्पताल एवं खत्री हितकारिणी सभा के संयुक्त तत्वावधान में नेत्रदान सम्मान समारोह के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने नेत्रदाता परिवारों को किया सम्मानित। साथ ही उन्होंने नेत्रदान का संकल्प लेकर नेत्रदान महाअभियान को गति देने की कोशिश किया है। समारोह के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य अशोक धमन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेत्रदान कार्यक्रम लायंस आई बैंक की प्रशंसा की है। उन्होंने खत्री समाज, अग्रवाल समाज, सिंधु समाज, चौरसिया समाज, सभी समाज के लोगों से अपील किया है कि वे नेत्रदान महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस अवसर पर रोटरी क्लब, लायंस क्लब काशी शिवा, जेसिस क्लब सहित वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनीता सोनी के नेतृत्व में 21 लोगों ने नेत्रदान का संकल्प पत्र भरकर डॉक्टर अनुराग टंडन के नेत्रदान महाअभियान की मुहिम को गति देने के लिए उनके साथ जुड़ गई हैं। मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने सभी को सम्मानित भी किया। मुख्य अतिथि ने समाज की ओर से डॉक्टर अनुराग टंडन, डॉक्टर अभिषेक चंद्रा को सम्मानित किया। मंचासीन अतिथियों में वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी, सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय राय, शिव प्रसाद गुप्त हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर एसपी सिंह आदि ने नेत्रदान महाअभियान की प्रशंसा किया। समारोह का कुशल संचालन डॉक्टर अनुराग टंडन व शालिनी टंडन ने किया। नेत्रदान सम्मान समारोह में क्लाउन टाइम्स के प्रधान संपादक और वाराणसी प्रेस क्लब के महामंत्री अशोक मिश्र क्लाउन को मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने विशेष रूप से सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री क्लाउन ने डॉक्टर अनुराग की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनकी समाज सेवा का कोई जोड़ नहीं है। कार्यक्रम में विशेष रूप से जवाहर टंडन, डॉक्टर अश्विनी टंडन, नितिन टंडन, शोभा कपूर, मुकुंद लाल टंडन, डॉक्टर अजय खन्ना, डॉक्टर शेखर, डॉक्टर अंशुमान, डॉक्टर ओपीएस मौर्य, डॉक्टर केएल सिंह, डॉक्टर वकील अंसारी आदि लोग रहे। मंच पर आसित सभी सम्मानित व्यक्ति और प्रेस मीडिया और आए हुए सभी सदस्य, ये हर्ष का विषय है कि नेत्रदान के प्रति इतनी ज़्यादा जागरूकता है और वाराणसी इसमें आप सभी सम्मानित व्यक्तियों के वजह से जाना भी जा रहा है कि नेत्रदान जो एक शुरुआत हुई थी एक ऐसे विसंगति लेकिन बाद में आज ऐसा हर्ष का विषय है कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि आयुष्मान भव कार्यक्रम जो माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा 13 तारीख को लॉन्च हो रहा है उसमें अंग दान का प्लेज एक बहुत बड़ा पखवाड़ा है।
इसमें नेत्रदान भी शामिल है। क्योंकि सभी की उत्साह देख रहा हूँ तो इस बात से मुझे पूर्ण संतुष्टि है कि अंग दान का जो प्लेज हम आयुष्मान भव कार्य जो पूरे राष्ट्र में संचालित होगा 17 तारीख से, उसमें आप सभी का सहयोग मिलेगा। और वाराणसी एक चूंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबसे ज्यादा प्लेज वाराणसी से मिलेगा। चंद्रा आई केयर के तत्वाधान में आयोजित आज इस कार्यक्रम में पर उपस्थित परम आदरणीय श्री जवाहरलाल टंडन जी, डॉक्टर अश्वनी टंडन, जिनके बुलावे पर आज मैं सुबह ही उठ के भागा चला आया लखनऊ से। ऐसे भाई डॉक्टर अनुराग टंडन, सानी टंडन जी, डॉक्टर संजय राय जी, डॉक्टर संदीप चौधरी जी, हमारे अग्रज श्री ब्रिजरमन सेठ जी, सम्मानित सभागार भाई, हमारे मंडल अध्यक्ष है दीपक, अरे गोपाल जी, गुप्ता जी, इस नेत्रदान जैसे पवित्र और नेक कार्य के लिए हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि आपका ये मिशन निश्चित ही दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। तो लगता है कि मैंने अपने जीवन का बहुत समय अस्पतालों में बिताया है। हमने अपने पिता को खून के लिए लोग बेटे से कह रहे थे तो वो भाग जाता है। 51 नेत्रदान का लक्ष्य लेके समाज, रोटरी, जेसीज, हमारे रस्तोगी समाज, सिंधी समाज, आलोक पारिक जी का परिवार, न जाने कितने लोग, आज किसी को कहना नहीं पड़ता। मैं आपसे बताऊं कि मैंने भी फार्म वॉर्म लेके रखा, लेकिन तब से एक प्रश्न चिन्ह था मेरे मन में कि वो फार्म भर के किसको दूं। और डॉक्टर साहब से कहना चाहता हूं कि मेरी तरफ से भी नेत्रदान का फार्म भरवा लीजिए। आप सबको जितनी जागरूकता समाज में बढ़ेगी, अब तो और अंगदान के लिए लोग आगे आने लगे। मैं जिस हरिश्चंद्र कॉलेज में पढ़ता था, उस कॉलेज में एक हमारे टीचर हुआ करते थे शुक्ला जी, काशी के इतिहास में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपना शरीर दान किया था। जिंदा रहती है कितनी देर, आंख जिंदा रहती है, आंख में भी आप कह रहे हो कि आप ब्लैक पुतली निकालते हैं, उसमें भी और भी ऐसे। मुझको लगता है कि एक नेत्रदान से दो दो तीन तीन लोगों को कॉर्निया होता है, एक शरीर की कीमत, ऐसे आप समझते हैं कि आपके शरीर की कीमत नहीं है, लेकिन जब रुपए के हिसाब से जोड़ा जाएगा, अपने आप करोड़पति हैं, लाखों लाख रुपए का आपका हार्ट है, किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है, शरीर के आपके जितने भी शिराएं हैं, धमनियां हैं, अगर इनकी कीमत जोड़ा जाएगा तो एक सामान्य व्यक्ति भी करोड़पति है। इसलिए उसके शरीर के अंग बहुत कीमती हैं, लेकिन हम लोग उसको जला डालते हैं। मैं डॉक्टर साहब के परिवार से बहुत दिनों से जुड़ा हूं, तारीफ करना कोई इनसे सीखे, ये फर्श से उठाकर अर्श तक किसी व्यक्ति को अपनी तारीफ से, मैं तो जितना देर आता हूं इन्हीं को सुनते रहता हूं, क्योंकि मेमोरी एक एक घटना बता, पुरानी हो, बचपन की दोस्ती हो, जवानी की यारी हो, चाहे वो पढ़ाई के दरमियान के दोस्त हो, और सबको देखिए, एक जगह जरूर छोटी थी, दिल इनका बड़ा था, आज ये सभागार में तिल रखने की जगह नहीं थी। मेरा हिसाब से इतना कहना है कि जहां भी मेरी जरूरत हो, पंजाबी अस्पताल के बारे में भाई ब्रिजरमन सेठ जी हमारे कह रहे थे, बगल में हमारे अग्रज बैठे हैं जवाहरलाल टंडन जी, उस अस्पताल को भी मुझसे, आपको अगर एम्बुलेंस की जरूरत हो, जो भी मैं समझता हूं कि अस्पताल में जो मेरी जरूरत हो, डॉक्टर साहब के इस बैंक को मेरी जहां जरूरत हो, मैं अपनी तरफ से सदैव आपके साथ खड़ा हूं। जरूरत आप बताएंगे, कोशिश मैं करूंगा पूरा करने की। इन्हीं बातों के साथ, कि मेरा सौभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रमों में आज यहां जिस तरीके से बीएचयू के हमारे डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, इनके अस्पताल, इनका अस्पताल जाके देखिएगा तो आपको लगेगा कि क्या बनारस में भी आंख का इतना एडवांस हॉस्पिटल है। तो मुझको लगता है कि अभी एक कार्यक्रम है इनका, उसमें भी, और हम लोग बड़ी खुशी है कि इसका जो मेन प्रोग्राम है, इनॉग्रल प्रोग्राम है, वो विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में त्रिंबेश्वर हॉल है। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे साउथ से बहुत लोग आ रहे हैं, साउथ से शंकराचार्य से करेंगे, ताकि भगवान विश्वनाथ जी के आंगन में। एक और मेरे मन की भावना है कि काशी इतना सामाजिक,
दुनिया में कोई शहर नहीं होगा, कुछ भी मांग लीजिए। नेत्रदान तो देखिए कैसे लोग उमड़े पड़े हैं, आपको ऐसे नहीं लगता कि इस परिवार से दो दो तीन तीन कोई ऐसा परिवार नहीं जिन्होंने अपनों का नेत्रदान न कराया हो। काशी सदैव अग्रणी रही। कोरोना के काल में जब दुनिया में लोगों को खाने का अभाव था, एक दूसरे की मदद करने का अभाव था, तब भी काशी ने जो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, तो मुझको लगता है कि भगवान शंकर की नगरी है, तो डरता नहीं किसी से। यहाँ एक दूसरे को देने की प्रवृत्ति, जो अपनापन है शहर का, मैं कहीं भी जाता हूँ हिंदुस्तान के किसी कोने में, जब कहता हूँ कि काशी से आया हूँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी, माँ अन्नपूर्णा की नगरी, बाबा काल भैरव की नगरी, और जब काशी के लोगों के बारे में बताता हूँ, सबकी आंखें फैल जाती है। बचपन से इनसे निकल के कहीं जाने का अवसर नहीं मिला। पढ़ाई करने हरिश्चंद्र में, पढ़ाई के बाद जब मैं BHU गया, आप सबके दरवाजे खुले रहते हैं, वैसे मेरा ही सब कुछ आपका है, तो आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे ऑफिस में चूंकि आज रवि, जी बहुत, ये एक समाज में बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि आदरणीय मंत्री जी ने नेत्रदान का संकल्प किया है, और इसमें देखिएगा 4 गुना वृद्धि हो जाएगी बनारस के अंदर इनके इस काम से। धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। जिन लोगों ने भी इस महायज्ञ में अपना योगदान दिया है, उन सबको मेरा बहुत साधुवाद है। इसके प्रचार प्रसार की जरूरत है, जितना प्रचार प्रसार आप करेंगे, समाज में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकलेगा जो मालूम प्रांत दान न करे, बस प्रचार की कभी उस कमी को पूरा कर लेंगे। हम लोग के लाइफ को सेवा को जरूर बताने की आवश्यकता है। लायंस नेत्र चिकित्सा में जिस तरह से आई डोनेशन का प्रोग्राम इतनी जागरूकता के साथ हो रहा है, इसका सारा क्रेडिट अनुराग टंडन जी को जाता है, डॉक्टर अभिषेक को जाता है, और इनकी पूरी टीम को जाता है आज के दिन। और मैं एक चीज बहुत जरूर कहना चाहूंगा, कई बार इस चीज को बोल चुका हूं, हमारे चाचा जी यहां बैठे हैं, मैं पंजाबी अस्पताल एक ऐसा आई सेंटर है जहां पर पूज्य भगवान दास अरोड़ा जी ने जिसको स्थापित किया, हमारे अंकल जब लाला रामचरण दास जी ने उसको स्थापित किया, आज के दिन इतना सुदूर अस्पताल में जा करके मैं 2-4 बार गया हूँ किसी किसी प्रोग्राम में, लेकिन मेरा भाई है छोटा डॉक्टर अनुराग, इसकी बहुत बड़ी क्रेडिट है कि स्कूटर से इतनी दूर जा करके और जिस तरह से इसने वहां पर चीजों को स्थापित किया है और लोगों की सेवा की है, इसके लिए ये निश्चित तौर पर बधाई, और शायद इसकी तरक्की का, इसके आगे बढ़ने का राज यही है। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं हमारे आयुष मंत्री जी का, जिनको हम लोग प्यार से दयालु गुरु कहते हैं। इन्होंने जो प्यार और जो विश्वास लोगों में पैदा किया है, वो बिल्कुल अनुराग ने बहुत सही बात कही कि शायद मोदी जी और योगी जी के बाद इतना प्रचार जो लोगों के बीच में जनसंपर्क करके लोगों का प्यार पाया है, इसके लिए इन्होंने हम लोगों को समय दिया, हमारे लॉयंस आई बैंक को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी पत्रकारों को और जो हमारे नेत्रदाताएं हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आने का। हमारे खत्री समाज के लोग, डॉक्टर संजय राय, SP सिंह, विजय रमन सेठ जी, जवाहर टंडन जी, CMO साहब, डॉक्टर वकील, और जो भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनुराग टंडन ऐसे डॉक्टर हैं जिनके हॉस्पिटल में या क्लिनिक पे कोई भी आता है, कहता मेरे पास पैसा नहीं है, ये बोलते हैं कि मेरे वहाँ पे सलाह कराओ, वहाँ पे मैं फ्री में तुम्हारा ऑपरेशन भी करूंगा, इलाज भी करूंगा। और लोग चैरिटी करते वहाँ से मरीज बुलाने के लिए, इनकी काबिलियत है कि संसार जितने की जाए कम है। लायंस आई बैंक सोसाइटी, खत्री हितकारिणी सभा, इन सब के द्वारा आज काशी में जिन परिवारों ने नेत्रदान किया है या आने वाले दिनों के लिए संकल्प लिया है, उन परिवारों को सम्मानित करने का यह आयोजन यहाँ किया गया है डॉक्टर अनुराग टंडन जी के इस हॉस्पिटल में। तो मुझको लगता है कि नेत्रदान एक बहुत बड़ा दान है, आप अपने आँखों की रोशनी से न जाने कितने आँखों को रोशन करते हैं, तो एक बहुत नेक और पुनीत काम के मैं आज यहाँ आया हूँ, तो इस संस्था को अपनी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग टंडन,
डॉक्टर साहब, आज का जो जश्न आपने मनाया है क्लाउन टाइम्स के माध्यम से काशी की जनता से, आप नेत्रदान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहेंगे सभी को कि पूरे पूर्वांचल की जनता ने लायंस आई बैंक की सर्जरी और उसके ऊपर फेथ किया और आज हमको इंडिया का नंबर वन लायंस आई बैंक घोषित कर दिया गया है। हम लोग की एक टीम वर्क है जिसमें मेरा काम लोगों को प्रमोट करना, आई डोनेशन कराना, जाके बताना। दूसरा डॉक्टर चंद्रा जो कि इंडिया के टॉप 10 सर्जनों में से हैं, वो सर्जरी करते हैं। इनके साथ तीन और सर्जन हैं, डॉक्टर गोविंद खलको, दो और पहले दीक्षा सरीन थी, और भी कई सर्जन हैं, डॉक्टर नेहा हैं। एक पूरी टीम है हम लोग के पास जो 2400 घंटा नेत्रदान के ऊपर, ऐसे तो सर्जरी करते रहते हैं लेकिन इस सर्जरी पर विशेष फोकस रहता है, क्योंकि इसमें हम रोशनी दे सकते हैं काली पुत्री बदलकर। और दिल से एक होता है ना कोई काम, इस काम को करने में मेरी पूरी टीम, शायद हमको डॉक्टर साहब को कोई अगर कहता है कि डॉक्टर साहब एक ऑपरेशन करना इतना पैसा लगेगा, और उसी समय कोई अगर आ जाता है कि नेत्रदान की सर्जरी कर देंगे नहीं तो कॉर्निया खराब हो जाएगा, तो हमारी पहली हम लोग की च्वाइस रहती है कि पहले हम इसका कर दें, पैसे वाला तो 10 मिनट रुक जाएगा नहीं तो। ये भाव है हमारी टीम का। 15 साल पुराना जो टाइप है और जो इन्होंने संबंध निभाया है और जिस तरीके से ये सर्जरी करते, मैं इनका कायल हूँ। भगवान करे हम लोग को किसी की नज़र न लगे, हम लोग इसी तरह समाज सेवा आगे करते रहें, करते रहें, करते रहें। जय हिंद, जय भारत। लायंस आई बैंक के निदेशक अभिषेक चंद्रा, डॉक्टर साहब आज नेत्रदान महादान अभियान का जो इतना बड़ा जश्न मनाया गया, हम ये जानना चाहेंगे कि जो वर्ष बीता है इसमें कितनी आंखें आपको मिली है और कितने लोगों को आपने ज्योति दी है? लगभग हम लोग को 150 के आसपास आंखें मिली है इस वर्ष में, और ज़्यादातर कॉर्निया को हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। कुछ कॉर्निया को हम लोग इवन इलाहाबाद, गोरखपुर, कानपुर, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ पे स्टूडेंट सीखते हैं वहाँ पे भी हम लोग भेजा, लेकिन हम लोग का यूटिलाइजेशन रेट मतलब इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है। तो इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भी जो है जागरूकता की भारी कमी है। अभी भी हम लोग अगर 10 जगह कहते हैं तो मात्र एक आदमी तैयार होता है। तो ये हमारे समाज को मैसेज जाना चाहिए कि इसकी भी कॉर्निया की हम लोग को बहुत आवश्यकता है, और हम सभी से निवेदन करेंगे कि इस नेत्रदान पखवाड़े में सब लोग सम्मिलित होके और इसको अपने परिवार की परंपरा बनाए, सब लोग आगे बढ़ के मरने, क्योंकि ये इकलौता नेत्रदान ऐसा है जो कि मरने के बाद होता है। मरने के 6 घंटे के अंदर तक हम लोग नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। तो अगर किसी भी घर में मृत्यु हो, चाहे उसने फॉर्म भरा हो या ना भरा हो, वो हमारे आई बैंक में कॉल करें और इमीडिएटली 6 घंटे के अंदर नेत्रदान करके हम लोग 2 लोगों को रोशनी दे सकते हैं जिनका नहीं तो जीवन पूरा अंधकारमय हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो पूरी तरह अंधे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, हम जानना चाहेंगे जो आँखें आपको दान में मिलती है, ऐसे कौन व्यक्ति जिनको वो आँख लगती है उनको रोशनी आ जाती है? नहीं देखिए, पहली बात ये समझिए कि जो नेत्रदान को कहते हैं ये पूरी आँख नहीं निकाली जाती है, ये केवल जो काली पुतली है, इंग्लिश में हम लोग कॉर्निया कहते हैं, केवल उसको निकाला जाता है, जो ऊपर की एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जिसको कॉर्निया बोलते हैं। तो अगर पूरी आँख खराब है, मान लीजिए नस सूख गई है या पर्दा उखड़ गया है या उसमें रोशनी नहीं है, उस कंडीशन में हम लोग रोशनी नहीं ला सकते हैं। लेकिन अगर किसी की काली पुतली सफ़ेद हो गई है तो आँख की जो रोशनी है वो बाहर की रोशनी आँख के अंदर नहीं जाएगी। तो हम लोग अगर काली पुतली को, जो सफ़ेद पुतली है उसको हटा के काली पुतली से बदल देते हैं तो रोशनी अंदर जाने लगती है और फिर से लोग देखने लगते हैं। तो ऐसे भी देश में लगभग 30 लाख लोग हैं जिनकी काली पुतली सफ़ेद है और उनकी रोशनी हम लोग नेत्रदान के माध्यम से हम लोग दे सकते हैं, तो उनके लिए बहुत हितकारी है, जिसको हम लोग कहते हैं अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस या ट्रीटेबल ब्लाइंडनेस, जिनको हम लोग ये कॉर्निया चेंज करके हम लोग रोशनी दे सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता ना? जो लोग आई डोनेशन करते हैं उनका कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन जो सर्जरी करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पैसा जो सर्जरी का सामान लगता है या ओटी का चार्ज लगता है, नेत्र का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है कहीं पे भी। नेत्रदान महाअभियान में डॉक्टर शेखर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे आप क्या करते हैं इस नेत्रदान अभियान में? हम सर अपनी टीम के साथ 24 आवर्स तैयार रहते हैं। जैसे ही किसी नेत्रदाता परिवार के यहाँ से मुझे फोन आता है, हम कोशिश करते हैं कि यथाशीघ्र उस स्थान पर पहुँचें जहाँ पर मृतक शरीर है और उसका जल्द से जल्द नेत्रदान कराएं। 24 घंटे हमारी टीम तत्पर रहती है और जैसे ही फोन आता है हम लोग उनके पास पहुँचते हैं। क्लाउन टाइम्स YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।